अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ मी उमेर खान फ्रॉम अल नुसरत मार्केटिंग एंड ट्रेडर्स। व्यूवर्स, इस टाइम मैं मौजूद हूँ अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक हमें सपोर्ट किया और अपने फीडबैक हमें देते रहें। अब आइंदा भी आप इसी तरह हमें फीडबैक्स देते रहें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक जो है हमें कॉमेंट सेक्शन में लाजमी दें। व्यूवर्स, आज मैं आपको अल रहमान गार्डन फेज़ 7 का ओवरऑल विज़िट करवाऊंगा और इसके अंदर जितनी भी प्लॉटिंग है उनके रेट्स के बारे में, पेमेंट प्लान के बारे में और तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूवर्स, इस टाइम मैं अल रहमान गार्डन फेज़ 7 की मेन एंट्रेंस पे खड़ा हूं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस टाइम मेन गेट मेन एंट्रेंस का काम हो रहा है और तरक्याती काम जो है वो बहुत ही तेज़ी से जारी है। व्यूवर्स, उसके बाद अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मेन शरकपुर रोड के ऊपर ही वाकया है और इसके बाद अगर इस साइड की बात करें तो व्यूवर्स यहाँ से फेज़पुर इंटरचेंज आता है जो कि 3 किलोमीटर की ड्राइव पर है और अब्दुल हकीम मोटरवे से 8 किलोमीटर की ड्राइव पर है और जो लाहौर शहर है वहाँ से 30 मिनट की मुसाफत पर है और रिंग रोड से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर है। व्यूवर्स, अभी मैं आपको अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के ब्लॉक्स के बारे में और इसके अंदर जो प्लॉट की कटिंग की गई है उसके बारे में बताऊंगा। व्यूवर्स, अगर ब्लॉक्स की बात करें तो ब्लॉक्स जो है अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक ए, बी, सी एंड डी। ए बी ब्लॉक जो है वो ऑन ग्राउंड है और जो सी डी ब्लॉक है वो अभी तक ऑन ग्राउंड नहीं हुआ, उसकी अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई, वो सारी फाइल में आपको अवेलेबल होंगी। व्यूवर्स, उसके बाद अगर सोसाइटी की ख़ास बात मैं आपको बताऊँ तो ये सोसाइटी जो है ये एल डी अप्रूव सोसाइटी है, जिसके ए बी ब्लॉक जो है वो एल डी अप्रूव हैं, वहाँ पर पोजेशन पेड प्लॉट्स भी आपको मिलेंगे और तमाम इसकी जो फैसिलिटीज़ है एलडीए के थ्रू वो सारी कंप्लीट हो चुकी है। व्यूअर्स, के बाद अगर अल रहमान गार्डन फेज़ 7 की कटिंग की बात करें तो इसके अंदर जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं वो आपको मिलेंगे 3 मरला, 5 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 10 मरला और 1 कनाल तक के आपको रेजिडेंशियल प्लॉट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर कमर्शियल की बात करें तो व्यूअर्स, अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर आपको कमर्शियल प्लॉट जो है वो 2 मरला और 4 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स मिलेंगे और इसके साथ साथ अल रहमान गार्डन ने अपनी एक कमर्शियल मार्केट लॉन्च की है जहाँ पे आपको शॉप्स भी अवेलेबल होंगे। अगर कोई बंदा शॉप्स ख़रीदना चाहता है अल रहमान के कमर्शियल जोन में तो वो यहाँ पे शॉप्स भी ख़रीद सकता है। तो आइए व्यूअर्स, अभी मैं आपको इस सोसाइटी का थोड़ा सा विज़िट भी करवाऊँगा और इसकी मज़ीद मालूमात भी आपके साथ शेयर करूँगा। व्यूअर्स, अल रहमान गार्डन फेज़ 7 का जो पेमेंट प्लान है वो बहुत ही निहायत इजी पेमेंट प्लान है। 5 साल का इजी इंस्टॉलमेंट प्लान है अल रहमान गार्डन का, जहाँ पे आपको 3 मरला, 5, 6, 8, 10 और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और 2 और 4 के कमर्शियल प्लॉट्स अवेलेबल होंगे। व्यूअर्स, अगर पेमेंट प्लान की बात करें उसमें जो 3 मरले का प्लॉट है वो है 12,85,000 का, जिसकी जो बुकिंग है वो बनती है 2,25,000 रुपये और 90,000 इसकी 12,000 इसकी मंथली इंस्टॉलमेंट है और 50,000 इसकी हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है और बैलेटिंग के दौरान आपने 90,000 इसकी बैलेटिंग फ़ीस देनी है और बाकी जो इसका पेमेंट प्लान है व्यूअर्स वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप काइंडली डिस्क्रिप्शन में जाके बाकी का पेमेंट प्लान ज़रूर विज़िट कर लेना। व्यूवर्स, उसके बाद अल रहमान गार्डन फेज़ 7 की फैसिलिटीज़ की बात करें तो ये सोसाइटी जो है गेटेड कम्युनिटी सोसाइटी है, यहाँ पे 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम है, यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली का निज़ाम है, यानी बिजली का जो भी सिस्टम है वो सारा अंडरग्राउंड है। इसके बाद व्यूवर्स, यहाँ पे अल रहमान गार्डन के अंदर बहुत खूबसूरत मस्जिद बनेगी जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ अपनी नमाज़ें अदा करेंगे। उसके बाद व्यूवर्स, यहाँ पे स्कूल बनेंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल बनेगी, यहाँ पे हॉस्पिटल्स बनेंगे और यहाँ पे तमाम ज़िंदगी की ज़रूरत की तमाम सहूलियात आपको मुयस्सर होंगी और एक बेहतरीन वक्त आपका अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के अंदर गुजरेगा। व्यूवर्स, सिस्टम में अल रहमान गार्डन फेज़ 7 के सेक्टर ए के मेन बॉलीवुड पे खड़ा हूँ।
अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये अलरहमान गार्डन फेज 7 के मेन बॉलीवुड है, जहाँ पे डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में इसका ये मेन बॉलीवुड जो इसकी मेन रोड है ये ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। व्यूवर्स, अगर अलरहमान गार्डन फेज 7 की रोड्स की बात करें तो कम अज़ कम 30 फिट की इसकी रोड्स हैं। उसके बाद सेक्टर बी की बात करें तो व्यूवर्स अगर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो सेक्टर बी में डेवलपमेंट का काम बहुत ही तेज़ी से जारी है। सेवरेज लाइन इसकी डल चुकी है और उसका जो अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक सिटी का सिस्टम था वो भी वायरिंग सारी हो चुकी है और ऑलमोस्ट ये अभी ऑन ग्राउंड सेक्टर बन चुका है और यहाँ पे आपको सारे प्लॉट्स ऑन ग्राउंड मिलेंगे। व्यूवर्स, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अलरहमान गार्डन फेज 7 आपको एक सुनहरी मौका देता है इन्वेस्टमेंट के लिए। यहाँ पे आप अपनी इन्वेस्टमेंट सेव कर सकते हैं और अपनी जितनी भी ख्वाहिशात हैं घर बनाने की, अपनी एक प्रॉपर्टी बनाने की, वो यहाँ पे आप अपनी जो ड्रीम है उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो व्यूवर्स, अलरहमान गार्डन फेज 7 के अंदर 3 मरले का जो प्लॉट है उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट है, वो सिर्फ 12,000 रुपये है। 12,000 व्यूवर्स हर किसी की पहुंच में होती है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। मतलब ये तमाम मिडिल क्लास और जो छोटा तबका है उनके लिए अलरहमान डेवलपर्स अलरहमान गार्डन ने एक ये फेज 7 का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पर बहुत ही मुनासिब रेट्स हैं। यहाँ पर हर बंदा अपनी प्रॉपर्टी का ख्वाब पूरा कर सकता है, यहाँ पर आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट भी सेव कर सकते हैं। व्यूवर्स, इसी तरह हम आपके लिए नए नए प्रोजेक्ट्स लेकर आएंगे, तो काइंडली मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने जो फीडबैक हैं वो हमें कमेंट सेक्शन